सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। बिफोर आई गो अहेड एंड रिव्यू दिस मूवी, लेट मी से दिस, आप इस मूवी को एज एन एंटरटेनमेंट मूवी देखें, संजय दत्त की स्टोरी उनके नजरिए के हिसाब से देखें, और जो भी उनके खिलाफ केस एक्सेट्रा चल रहे थे वो सब आप कानून के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने न्यूज में और न्यूज़पेपर में संजय दत्त के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके क्राइम्स के बारे में क्या क्या हुआ वो सब देखा होगा, बट इस मूवी में संजय दत्त के नजरिए से इस मूवी को दिखाई गई है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो क्या फेस कर रहे थे और उनके लाइफ में क्या क्या हो रहा था वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। संजू को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने काफी हिट और एंटरटेनिंग मूवीज दिए हैं हमें, जैसे थ्री इडियट्स, वेल हु कैन फॉरगेट दैट, एंड ऑफ कोर्स मुन्ना भाई MBBS। सबकी कोई ना कोई कहानी होती है, कोई किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है तो कोई किसी और चीज से स्ट्रगल कर रहा है। कुछ ऐसी ही स्ट्रगल भरी जिंदगी रही है संजय दत्त की, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। संजय मूवी बेस्ड है संजय दत्त के रियल लाइफ के ऊपर, उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, उनका उनके माता पिता के साथ संबंध कैसे थे, उनकी लव लाइफ का रिलेशन कैसा था, उनके दोस्त कैसे थे और उनके साथ उनका रिलेशन कैसा था, कैसे उनकी लाइफ चेंज होती गई जब एक एक करके ये सभी रिलेशंस बिखरते चले जा रहे थे, और कैसे इन सभी चीजों से राहत पाने के लिए उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया, गन्स का भी सहारा लिया, और वक्त आने पर यानी कि सही समय आने पर कैसे वो इन सभी चीजों से यानी कि ड्रग्स और गन्स और अपनी गलतियों को सुधारने में लग गए। ये मूवी है अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा 40 मिनट की। इंटरवल के पहले ये मूवी बहुत अच्छी है और इंटरवल के बाद भी अच्छी है, बट इंटरवल के पहले शायद आपको मूवी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि संजय दत्त के शुरुआती करियर के बारे में, उनके शुरुआती लाइफ के बारे में बताया गया है जो कि काफी एंटरटेनिंग भरा रहा है, और इंटरवल के बाद में उनके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है। तो पहला हाफ आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, खुशनुमा पल है उसके अंदर, बहुत सारी कॉमेडीज भरी पड़ी हुई है, और इंटरवल के बाद में उनके स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। ऑफ कोर्स उसमें भी अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़े कॉमेडी और फनी सीन्स हैं, बट ज्यादा करके इंटरवल के बाद में स्ट्रगल पार्ट दिखाया गया है संजय दत्त की लाइफ का। स्टोरी शुरू होती है प्रेजेंट में, जब संजय दत्त एक्यूज किए जाते हैं 1993 में हुए 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में। बहुत लोगों में से ये भी एक अक्यूज है, और इतने ही नहीं, इस केस के अलावा इनके ऊपर खुद के पास में आर्म्स रखने के लिए यानी कि गन्स वगैरह रखने के लिए भी एक अलग से केस चल रहा है, और 30 दिन के अंदर इनको सरेंडर करना है 16 मई 2013 को। काफी लोग अब संजय दत्त से नफरत करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संजय दत्त को ब्लास्ट के बारे में जानकारी थी मगर उन्होंने ये जानकारी किसी को बताई नहीं। मगर संजय दत्त की अपनी अलग ही स्टोरी है जो कि ये लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, क्योंकि उनको लगता है कि न्यूज और न्यूज़पेपर में जो भी उनके बारे में बताया जा रहा है वो सब गलत है, जबकि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये ढूंढने निकलते हैं एक ऐसे राइटर को जो कि लोगों तक इनके साइड का स्टोरी बता सके, ताकि लोग इन्हें समझ सके और जान सके कि जो उनके बारे में कहा जा रहा है या बताया जा रहा है या ऐसा टेररिस्ट लेबल किया जा रहा है वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई उससे कुछ और है, उससे कुछ अलग है। मगर कोई भी राइटर ये करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर वो इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनका भी नाम खराब हो जाएगा। मगर अंत में उन्हें एक ऐसी राइटर मिलती है जिसका किरदार निभाया है अनुष्का शर्मा ने, जो कि फाइनली तैयार होती है इनकी बायोग्राफी लिखने के लिए, और यहां से मूवी स्टार्ट होती है। यहां से संजय दत्त उनको अपनी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं कि कैसे उनकी करियर की शुरुआत हुई, उनकी पहली मूवी रॉकी से, उनके रिलेशन तब कैसे थे उनके पिता के साथ, कैसे जब उनको पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है तो कैसे उन्होंने पहली बार ड्रग्स लिया था अपने आप को संभालने के लिए, वो दोस्त जिसकी वजह से इनको नशे की आदत हुई, और वो दोस्त जिसकी वजह से इन्होंने इस नशे को छोड़ा यानी कि जिसने इनकी मदद की इस नशे को छुड़ाने में, उन लोगों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, संजय दत्त की गर्लफ्रेंड रूबी, उनके साथ में इनके रिलेशन कैसे थे थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, उनके लाइफ के बारे में, उनके लव लाइफ के बारे में, कैसे वो रिलेशन था और कैसे वो रिलेशन खत्म हो गया। इस मूवी का प्लॉट मैं और रिवील नहीं करूंगा क्योंकि सच में मैं ये मूवी आपके लिए स्पॉइल कर दूंगा। हाँ, मगर इतना जरूर बताऊंगा कि इंटरवल के पहले आपको एक केयरलेस संजय दत्त दिखाई देते हैं और इंटरवल के बाद में आपको एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल संजय दत्त देखने को मिलेंगे। बात करते हैं रणबीर कपूर की, तो इनके लुक्स की वजह से और ट्रेलर में इनकी एक्टिंग की वजह से मैंने डिसाइड किया कि ये मैं मूवी जरूर देखूंगा। हालांकि मैं ज्यादा बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता, बट ऑफ कोर्स ये मूवी कौन मिस करना चाहेगा। जिस तरीके का इनका मेकअप किया गया था जो कि एग्जैक्टली संजय दत्त के लुक से मैच कर रहा था वो काबिले तारीफ था।
चाहे वो इनका बाल का स्टाइल हो, इनका चेहरा हो, इनका कपड़ा पहनने का स्टाइल हो, चलने का अंदाज हो या फिर बोलने का तरीका हो, रणबीर कपूर बिल्कुल संजय दत्त लग रहे थे। और ये रणबीर कपूर की पहली मूवी होगी जो मुझे बहुत पसंद आई है। थोड़ी सी भी कमी नहीं मिलेगी आपको इनके एक्टिंग में, बल्कि इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको लिटरली रुला देगी। मैं जानता हूँ मैंने इस मूवी में कम से कम 3 या 4 बार लिटरली रो दिया था। रणबीर कपूर के अलावा परेश रावल जिन्होंने किरदार निभाया है सुनील दत्त का, वो अपनी एक्टिंग से आपका दिल जीत लेंगे। मुझे नहीं लगता कि सुनील दत्त सर की एक्टिंग कोई और इतने अच्छे तरीके से कर सकता था। हालांकि काफी रिसेम्बलेंस दिखाया गया है परेश रावल जी का सुनील दत्त सर के चेहरे से, बट अगेन परेश रावल हैज नेवर डिसअपॉइंटेड अस इन हिज एक्टिंग, लेट इट बी दिस मूवी और एनी अदर मूवी। परेश रावल हैज ऑलवेज गिवन हिज 100% इन एनी ऑफ द मूवी दैट ही हैज एक्टेड। ये मूवी अगर 50% संजय दत्त के बारे में है तो 30% सुनील दत्त सर के बारे में है। आप सिर्फ संजय दत्त नहीं, सुनील दत्त सर को भी जानेंगे इस मूवी में कि वो कितने अच्छे पिता थे। पिता नहीं, एक पिलर थे वो संजय दत्त के लाइफ में, जो हमेशा अपने बेटे के मुश्किल समय में उनके साथ थे अपनी आखिरी सांस तक। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि सुनील दत्त सर वो ऐसे इंसान थे या ऐसे एक्टर थे या पहले और आखिरी एक्टर थे जिनको मैंने फेस टू फेस मैंने देखा था, मैंने मिला था, मैंने उनके पैर भी छुए थे। आई मीन ही हैड केम टू मुंबई एट हिज कांग्रेस ऑफिस इन अंधेरी एंड आई वाज विथ माय फ्रेंड ऑन अ बाइक और हम जा रहे थे एंड देन सडनली वी सॉ अ लार्ज क्राउड। आई वेंट अहेड, मैंने उनका पैर पड़ा एंड आई शुक हिज हैंड्स एंड आई सेड आई एम योर बिगेस्ट फैन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट हिज बिगेस्ट फैन बट देर आर मोर बिगेस्ट फैंस ऑफ सुनील दत्त रादर देन मी, बट आई रिमेम्बर दैट इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक। बेसिकली उनके और नेहा धूपिया के अलावा मैंने किसी भी एक्टर को या एक्ट्रेसेस को फेस टू फेस नहीं देखा है अभी तक। सो आई जस्ट रिमेम्बर इट, सो आई जस्ट थॉट यू नो आई विल शेयर विद यू, क्योंकि मूवी देखते टाइम पे मुझे उनके बारे में याद आने लगी थी। आई मीन लाइक आई रिमेम्बर दोस मोमेंट्स व्हेन आई बेसिकली मेट हिम। ओके एनीवेज, इसमें संजय दत्त के बेस्ट फ्रेंड परेश गिलानी का रोल निभाया है विकी कौशल ने, जो कि रियली मुझे अपनी एक्टिंग से ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुके थे नेटफ्लिक्स की मूवी लव पर स्क्वायर फुट में। एंड आई रियली न्यू कि दिस एक्टर हैज रियली सम पोटेंशियल्स इन हिज एक्टिंग एंड ही विल डेफिनेटली गो अहेड एंड डू सम मेजर रोल्स, विच ही बेसिकली प्रूव मी राइट इन दिस मूवी। जिस तरीके के इनके डायलॉग्स हैं मूवी में, सुनील दत्त के बाद यही वो थे जो संजय दत्त के मुश्किल समय में उनके साथ थे। एंड टू टेल यू द फैक्ट, आफ्टर संजय दत्त आफ्टर सुनील दत्त सर इनका ही वो रोल आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरी मूवी में। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ संजय दत्त लाइफ। मनीषा कोराला को एक बार फिर अच्छा लगा देखकर इस मूवी में आफ्टर लव स्टोरीज, जो कि उसमें भी उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की थी एंड उन्होंने नरगिस मैम का काम किया है इस मूवी में एंड आई थिंक शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। तो उनके ज्यादा एक्टिंग्स नहीं थे बट जितनी भी थे शी वॉज जस्ट परफेक्ट एंड अगेन शी हैड अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन संजय दत्त लाइफ। भले ही कम रोल्स है मनीषा कोराला के एज नरगिस मैम, बट जितना भी रोल था उसमें ये राजकुमार हिरानी ने जरूर दिखाया है कि हाउ इम्पैक्टेड संजय दत्त वॉज वेन ही लॉस्ट हिज मदर। एक और नोटेबल कैरेक्टर है जिम सर्ब का, जिनको मैंने पहले नोटिस किया था पद्मावत में, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी इन्होंने एज मलिक नैब कफूर, जो कि रणबीर सिंह के राइट हैंड थे पद्मावत में। इस मूवी में ये वो दोस्त है संजय दत्त के जो इनको ड्रग्स की आदत लगाते हैं, लत लगाते हैं। अगेन ही इज रियली नोटिसेबल इन दिस एंटायर मूवी। जिस तरीके से एक इम्प्रेशन इन्होंने पद्मावत मूवी में बनाया था, वही सेम इम्प्रेशन इन्होंने इस मूवी में भी बनाया है एंड आई थिंक अगेन दिस एक्टर हैज रियली गुड पोटेंशियल एंड अगेन इन फ्यूचर ही इज डेफिनेटली गोइंग टू डू सम रियली गुड रोल्स एंड आई बेसिकली रियली वॉन्ट टू सी हिम टू डू यू नो नेगेटिव रोल। बेसिकली इनको नेगेटिव रोल में मुझे देखना बहुत पसंद आएगा। कोई एक मेजर रोल में अगर ये नेगेटिव रोल में दिखे तो मुझे लगता है वो मूवी काफी सक्सेसफुल होगी। ऑल आई कैन डू इज आई कैन जस्ट विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज करियर। और भी काफी लोग हैं इस मूवी में, जैसे सोनम कपूर, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा, करिश्मा तन्ना, बोमन ईरानी। ऑल टूगेदर ये मूवी भरी पड़ी हुई है ह्यूज एक्टर और एक्ट्रेसेस से, जो कि अगेन मूवी को काफी अच्छा बनाती है। संजय दत्त की स्टोरी देखने लायक ही बनती है और जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया है वो देखने लायक बनता है, स्पेशली संजय दत्त और सुनील दत्त सर के रिलेशनशिप के बारे में। एक पिता और बेटे के रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इनफैक्ट जब सुनील दत्त की सडन डेथ होती है मूवी में, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी का कोई हिस्सा मर गया। आई वॉज सो मच इंडल्ज्ड इन द मूवी, आई फेल्ट लाइक ओ गॉड What just happened? And the moment when the death happens, it was sudden. I mean, Rajkumar Hirani ने उस death को एक ऐसे situation में डाला था कि वो really आपको एक setback देता है कि oh God, what just happened?
आई मीन द प्लेसमेंट ऑफ हिज डेथ इन द एंटायर मूवी इम्पैक्टेड मी, इट रियली इम्पैक्टेड मी. आई मीन मैं लिटरली उस सीन में रो दिया था मैंने. आई मीन दैट वॉज द थर्ड और द फोर्थ सीन इन द एंटायर मूवी व्हेन आई लिटरली क्राइड. 2 घंटा 40 मिनट की मूवी में एक भी डल सीन्स नहीं मिले मुझे. इनफैक्ट इसमें फनी सीन्स, बहुत सारे रोने वाले सीन्स, थोड़े इमोशंस भरे सीन, हर एक सीन डाला गया है और उसे परफेक्ट जगह पे डाला गया है. कुछ भी मिक्स मैच नहीं किया गया है, स्टोरी को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया गया है. आप अच्छे तरीके से पूरी स्टोरी को आसानी से समझ जाते हैं. मूवी की एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली ऐसे मूवीज की एंडिंग एक पॉजिटिव नोट पे की जाती है, बट इस मूवी की एंडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नोट पे की गई है. एंड दैट इज व्हाट आई बेसिकली लव्ड अबाउट दिस मूवी. इसमें ये दिखाया गया है कि डजंट मैटर आप कितना अच्छा करें या कितना साबित करें कि आप अच्छे थे या नहीं थे, पीपल देर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज गोइंग टू जज यू फॉर थिंग्स दैट यू हैव डन. इफ देर आर 5 पीपल हु आर गुड टू यू, देर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी 1 or 2 पीपल हु विल हेट यू. डजंट इवन मैटर अगर उनको सच्चाई पता भी है कि आप ऐसे नहीं हैं या आप ऐसे हैं, स्टिल दे आर गोइंग टू गो हैड एंड दे विल जज यू नो मैटर वॉट एंड यू हैव टू लिव विथ इट योर एंटायर लाइफ. राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन हमेशा अच्छी होती है और इस मूवी में उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया है, हमारा दिल जीत लिया है. इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 10 out of 10. Yes, you heard me right. I will rate this movie as 10 out of 10. मैं इस मूवी को 8.5, 9, 9.5 देके इस मूवी के साथ में ज्यादती नहीं करूंगा. This movie deserves it. ये मेरे दिल को छू गई है and I think ये आपके दिल को भी जरूर छुएगी. So go ahead, watch this movie and enjoy yourself. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. You all have a very great day.